टीचर जो 40s में थे और उसका एक न्यू स्टूडेंट के साथ अफेयर हो जाता है यंग स्टूडेंट के साथ, और लोगों को पता चलने लगता है और ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हेलो फ्रेंड, आज हम आपको क्रेडिट वे 1960 हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम अपने मेन करेक्टर जोसे को देखते हैं, जो कि एक टीचर है और उसका बचपन में एक्सीडेंट होने के कारण वह विकलांग हो गया था, और वह काफ़ी अच्छा टीचर भी है। और तभी हम देखते हैं कि एक और मैन करेंडर जिसका नाम है रोजली, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वह टीचर कर रहा। तभी वहां पे देखते हैं कि गैथरीन वहां पे आ जाती है और काफ़ी खूबसूरत लड़की थी, और उसे देखते देखते सभी लोग की आंखें ही आंखें रह जाती हैं, क्योंकि वह काफ़ी हॉट लड़की थी। और तभी हम देखते हैं कि उसे सभी लड़के घूर रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं कि रोजली और जोसे जो कि आपस में काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में रहते थे और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, और दोनों ही आपस में एक रिलेशनशिप में थे, और जो जोसे था वह रोजली से काफ़ी लव करता था लेकिन वह कह नहीं सकता था, और ये बातें रोजली को पता थी, और रोजली इस बात से काफ़ी उसकी मजा लेती है और उससे कहती है कि तुम मेरी फनी कर रही हो। तभी वहाँ देखते हैं कि जोसे कहता है मैं तुमसे काफ़ी दिनों से अपने कॉलेज से ही तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वह दोनों तभी वहाँ चले जाते। तभी हम देखते हैं कि रोजली के बेटा जिसका नाम रॉबर्ट है वह गैथरीन से मिलता है। गैथरीन उसको पसंद थी लेकिन वह भी नहीं कह सकता था। गैथरीन पूछते तो वहाँ फादर कहता। तभी हम देखते हैं कि गैथरीन अपने हॉर्स को जोसे के पास छोड़ने आई हुई होती है, और तभी हम देखते हैं कि इतनी आसानी से गैथरीन अपने हॉर्स को छोड़ने वाली ही नहीं थी, और वह अपने हॉर्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन उसके फादर को काफ़ी लेट हो रहा था, और उसके फादर गए जोसे से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे वो चले जाते हैं। तभी वहाँ पे देखते हैं कि जोसे और गैथरीन उसके अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ फार्मर में जाते हैं, और वह अपने घोड़े को वहीं रख देती है, और तभी वहाँ पे देखते हैं कि गैथरीन चली जाती है ऊपर, और वह काफ़ी इंजॉय करने लगती है। वह पूछती है कि तुम्हारा फार्म हाउस काफ़ी बेहतर है। तभी वह गैथरीन के साथ वहाँ से आती है। तभी हम देखते हैं कि जोसे आज हंटर करके आए हुए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी मदर को कैंसर है और डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी मदर को काफ़ी दिक्कत हो रही है और तुम्हारी मदर काफ़ी दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि उसका इलाज कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। तभी हम देखते हैं कि उसके अपार्टमेंट में गैथरीन आई हुई है, और गैथरीन को देखकर वह काफ़ी टेंशन में हो जाता है जोसे। तभी हम देखते हैं कि अचानक गैथरीन अपना कपड़ा उतारने लगती है। इस बात से काफ़ी हट होकर यहाँ से जोसे चला जाता है, और उसका अचानक मूड बदल जाता है, क्योंकि उसने जवानी में इंजॉय नहीं किया होता है, इसी के साथ गैथरीन के साथ इंटीमेट होता है, और वहीं पर तभी हम देखते हैं कि दोनों का इंटीमेट होना चलता रहता है। और आज वह रोजली को देख कर अपनी कॉलेज की उम्र को इंजॉय कर रहा होता है, सोचता है कि मेरी कॉलेज की उम्र ऐसे ही थी। तभी उसे लगता है कि तभी वहाँ पे देखते हैं कि रोजली उसे हट करती है। तभी हम देखते हैं कि कॉलेज बंद होने वाला था और सभी लोग को बाहर पढ़ाने के लिए जाने, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जोसे के पास कोई डिग्री नहीं, उसके पास खाली एक्सपीरियंस है, और ये इसके लिए मायने नहीं रखती, और इसी के चक्कर में वह इंटरव्यू लेने आए हुए को काफ़ी ज़्यादा गाली दे देता है, और उन लोग से गुस्सा होकर वहाँ चला जाता है। तभी गैथरीन जोसे और रोजली आपस में बात कर रहे। रोजली कहती है तुम मेरे से शादी कब करोगे। तभी वहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा तभी तुम्हारे साथ शादी करूँगा, लेकिन वहाँ पे रोजली कहती है कि मैं काफ़ी अभी खुश हूँ, मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन वह मानता है। तभी जगह डॉक्टर उसे समझाता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत काफ़ी खराब होने लगी है, अब तुम्हें इलाज कराना होगा, लेकिन वह चाहता है इलाज हो जाए, लेकिन वह समझ। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे डॉक्टर आया। डॉक्टर काफ़ी ओल्ड हो गया है, इसीलिए वह जोसे को एक भूल की शिकार करने के लिए अपना गन दे देता है। तभी वहाँ देखते हैं अपार्टमेंट में गैथरीन आई हुई है, और वह आज जोसे से कहती है कि
उसके साथ इंटीमेट भी होता है। तभी वहाँ पे देखते हैं कि उसकी मदर जोसेफ को पूछती, तुम आजकल काफ़ी खुश रहते हो, और उसे लगता है कि जोसेफ काफ़ी खुश रहने लगा। उसकी मदर की तबीयत और ही गड़बड़ होने लगती है, इसी बात से काफ़ी जोसेफ परेशान रहने लगता है। जोसेफ चाहता है कि मेरी मदर का इलाज हो जाए, लेकिन उसे पता है इलाज कराने के मेरी मदर 2 ही महीने जिंदा रहेगी। उसे इतना तकलीफ़ अपने मदर को नहीं देना चाहता है जोसेफ, इसी के कारण उसका इलाज नहीं करा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जोसेफ अपने क्लास रूम में आया हुआ है। तभी वहाँ पे देखते हैं कि वह अब सभी लोगों को एक लेटर लिखने के लिए देता है, और वह लेटर का एक पार्ट गैथरीन के पास ले जाता है, और गैथरीन के पास खड़ा होकर गैथरीन को एक चित्र देता है, उससे समझाता है सभी लोग को लेटर के बारे में, और कहता है कि लाइफ में जो चीज़ दिखती है होती नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लेटर लिखने के लिए सभी को बोला जाता है। तभी गैथरीन वो लिखती है कि इमरजेंसी, तुरंत हरी अप, जल्दी आ जाओ, मेरे पास नीड हुई। तभी वह काफ़ी गैथरीन से काफ़ी गुस्सा होता है। गैथरीन कहता है कि जोसेफ, तुम्हें काफ़ी घबरा गया था कि तुम कभी प्रेगनेंट नहीं हो, तभी उसे चिढ़ाने के लिए गैथरीन कहती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ। तभी हम देखते हैं कि गैथरीन काफ़ी हर्ट होने लगता है। गैथरीन की बात से वह काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी गैथरीन उसे हट 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 करने लगती है, और कहती है कि हाँ मैं प्रेगनेंट हूँ, तो उसे रिझाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर आकर दोनों इंटीमेट होते हैं, और तभी हम देखते हैं कि जोसे आज फिर से शिकार करने के लिए गैथरीन के फादर के पास आया हुआ है। गैथरीन के फादर कहते हैं कि मैं इतना ही शिकार करता हूँ जितना मेरी आवश्यकता होती है, लेकिन गैथरीन के फादर की ये बात सुनकर जोसेफ काफ़ी अजीब सा फील करने लगता है। वह डर जाता है कि इसके फादर को पता ना चले कि जोसेफ और गैथरीन में कोई चक्कर चल रहा है, और वह काफ़ी काफ़ी डरा हुआ रहता है, और गैथरीन के फादर के साथ हाँ में हाँ मिलाया रहता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, और इस बात से काफ़ी, तभी रॉबर्ट और गैथरीन आपस में बात करने लगते हैं। रॉबर्ट से गैथरीन पूछती है कि तुम्हारे मदर के साथ गैथरीन क्या चक्कर। तभी हम देखते हैं कि वो गैथरीन उसके लिए गिफ्ट लाई होती है, और यहाँ पर देखते हैं कि वो अपना अफेयर स्टार्ट करते हैं, और फिर अफेयर कांड करते समय डॉक्टर उन्हें देख लेकर डॉक्टर से कहता है, क्या स्टूपिड जैसी हरकत कर रहे हो, तुम्हारा इससे कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला है, और तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। तभी वो यहाँ पर जोसेफ कहता है, मुझे काफ़ी मज़ा आता है करने में, और इसीलिए मैं इसे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जवानी में कभी किया ही नहीं था ऐसा। तभी हम देखते थे गोल्फ खेलने के लिए रूसी और रॉबर्ट और गैथरीन काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और तभी हम देखते हैं कि रोजली और जोसे आपस में बात कर रहे हैं शादी। तभी वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे गैथरीन आ जाती है और जोसे को फ्लर्ट करने लगती है अपने टांगों से, और इस बात से जोसे काफ़ी हट होने लगता है। तभी वहाँ देखते हैं रोजली अब उससे कहती है कि तुम उससे शादी कब करोगे। तभी यहाँ पे दोनों आपस में इंटीमेट, रोजली चाहती थी कि यहाँ पे इंटीमेट हो जाए, लेकिन यहाँ पे जोसे अपने आप को रोक देता है और उसे मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ गाना सुनने के लिए काफ़ी पसंद था, वो अपनी माँ उसको जानती थी कि आजकल जोसे क्या कर रहा है। तभी उसे कहता है तू क्या कर रहा है, और ये सब फालतू काम मत किया कर। तभी वो अपनी माँ को बताता है, मुझे उससे अच्छा लगता है। तभी उसकी माँ ज़्यादा उस पर, तभी वहाँ पर देखते हैं रोजली के पास आज जोसे आया हुआ है। जोसे कहता है कि मैं अपनी लाइफ का जोसे कहता है रोजली से, जो भी चीज़ें हम दोनों करते हो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है और हम मुझे मज़ा नहीं आता है। और तभी वहाँ पे देखते हैं कि रोजली और जोसे इंटीमेट होने के लिए सोच रहे होते हैं, और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहता है जोसे, और कहता है मैं अपनी लाइफ में इंजॉय नहीं कर। आज उसे पता चल जाता है कि, तभी हम देखते हैं कि रोजली और जोसे आपस में काफ़ी बातें कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि हम लोग की लाइफ काफ़ी इनबैलेंस हो चुकी है, और वहाँ पे काफ़ी गुस्सा हो जाता है जोसे, और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी जोश में आ जाता है जोसे और रोजली भी, और तभी दोनों आपस में इंटीमेट भी होते। तभी हम देखते हैं कि अपने फादर के फिनर पे आए हुए हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि
यहाँ पे जो रोजली सभी लोगों का लेटर की जवाब आंसर दे रही होती है, और तभी उसे पता चलता है कि गैथरीन और जोसे का अफेयर है। तभी वह गैथ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जोसे के ऊपर, और उसे काफ़ी भला मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी तुम्हारे चक्कर में। तभी वह कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। तभी वह कहता है कि मेरी लाइफ है। तभी वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जोसे के ऊपर, वह काफ़ी रोने लगती। तभी हम देखते हैं गैथरीन उसके पास आई हो, गैथरीन कहती है मेरे साथ शादी कर लो। तभी वह मानता नहीं। यहाँ पर देखते हैं कि गैथरीन काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती। तभी हम देखते हैं गैथरीन के जाने के बाद वहाँ पर रोजली के पास राव जोसे आया हुआ है। जोसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और मैं तुमसे माफ़ी मांगू। तभी वहाँ पे ब्लड ब्लड बेड पे सो जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर जो रोजली को समझाने के लिए आया हुआ है, रोजली से कहता है तुम उसे माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर रोजली जोसे को माफ़ नहीं करती है, और उसे तभी हम देखते हैं रॉबर्ट काफ़ी एंग्री रहता है। और तभी वह वहाँ पे बैठे बैठे जोसे से पूछते मेरे फादर कैसे थे। तभी उसके वो जोसे बताता है कि मेरे से काफ़ी बेटर तुम्हारे फादर थे, तुम्हारे फादर काफ़ी अच्छे इंसान थे। और वो उसने पूछा कि वह मिलिट्री क्यों छोड़ दिए। तभी वह बताता है कि उन्हें यहाँ से वो काफ़ी उब चुके थे, इसीलिए मिलिट्री यहाँ छोड़ दिए। और तभी वह कहता है कि उनके पास और जॉब थी लेकिन वह चले गए। तभी हम देखते हैं कि रॉबर्ट चला जाता है। तभी वहाँ देखते हैं कि जोसे जो कि काफ़ी दिनों से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और आज उसके पास उसके फादर आए हुए हैं, गैथरीन के फादर आए हुए हैं। गैथरीन के बारे में रोजली के जोसे के बारे में बताते हैं कि वह पहले से ऐसी थी और सिटी में ही काम करती थी, इसीलिए मैं सिटी से विलेज में आया हुआ हूँ। तभी उसके फादर बोलते हैं गैथरीन के कि वह ऐसी लड़की है और तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसके फादर को कोई दिक्कत नहीं। तभी वहाँ देखते हैं गैथरीन आई हुई है। गैथरीन कहती है तुम मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन यहाँ पे मानता नहीं है जोसे। तभी वो गैथरीन काफ़ी हर्ट हो जाती है, कहती है कि मैं गलत काम कर चुकी हूँ और तुम्हारा तो गया काम तमाम हो जाएगा आज। तभी उसे पता चलता है कि नीचे हॉर्स हाउस में तो आग लगा दी है गैथरीन, और उससे काफ़ी वह परेशानी हो जाता है। और तभी वह सभी हॉर्स को बचा लेता है, लेकिन हॉर्स को बचाने के चक्कर में एक हॉर्स वहां पे बच जाता है, लेकिन वह गैथरीन हॉर्स था जो कि डेड हो गया, मर जाता है। और इससे काफ़ी दुखी हो जाती है गैथरीन को वह सहारा देता है। तभी वहाँ से गैथरीन उसके लाइफ से चली जाती है हमेशा के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वह अपने लाइफ का जो कॉइन था वह सेल कर देता है हनीमून पैकेज के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो रोजली को मनाता है, और रोजली को कहता है हम दोनों को काफ़ी लाइफ इंजॉय करना है। रोजली मान भी जाती है, रोजली सोचती है कि मैं ही सब चीज़ की दोषी हूँ, और वह अपने आप को काफ़ी हर्ट करने लगती है। और तभी यहाँ पर जोसे कहता है ज़्यादा वरी मत करो जानक नहीं। तभी वहाँ देखते हैं कि वह कहता है कि हम लोग नए नए प्लेस पे चलेंगे, काफ़ी इंजॉय करेंगे, हनीमून मनाएंगे, मज़ा करेंगे। तभी और यहाँ पे गैथरीन थी नहीं, इसीलिए रोजली उसकी बात को मान जाती है। और वह लोग काफ़ी दूर जाते हैं दूसरे देश में इंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए। और मूवी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।